जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने गांव की कच्ची गलियों के सड़क को पक्का बनाने के लिए निर्देश दिया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि यह प्रक्रिया पहले से ही चली आ रही है कि ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं की धनराशि पर कार्य किया जाता है। उन सभी योजनाओं की धनराशि को इकट्ठा करते हुए एक बेहतर कार्य योजना बनाकर गाँव की कच्ची गलियों को पक्का बनाने के लिए और जो नालियाँ खुली हैं उनको पक्की बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जो नालियाँ खुली हैं उनको ढककर व भूमिगत नालियों को सही करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा इसके लिए ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम स्तरीय कर्मचारी, ब्लॉक कर्मचारी, तकनीकी सहायक को प्रशिक्षण भी दिया गया है। उन्होंने कहा लक्ष्य बनाकर कार्य करने के लिए BDO को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने कहा 159 किलोमीटर से ज्यादा गलियों को पक्का किया जा चुका है और नालियां भी मिशन मोड पर बन रही हैं और गांव के विकास के लिए बड़ी राशि को आवंटित किया गया है, जिसके कार्य को पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा नहीं, ये प्रक्रिया गतिमान है गत वर्ष से ही कि जो ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं की धनराशि प्रतिनिधान की जाती है उन सभी योजनाओं की धनराशि को समेकित करते हुए सुनियोजित कार्ययोजना बनाते हुए सभी गांव प्राथमिकता में गांव के कच्ची गलियों को पक्की बनाने के लिए जो नालियां खुली हैं उसमें कवर्ड ड्रेन बना के अथवा भूमिगत नालियां बनाते हुए वहाँ अवस्थापना को सृजन करने के लिए हमने वर्क प्लान मॉडल एस्टीमेट डिज़ाइन दिया है। जनप्रतिनिधियों ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण भी दिया है, ग्राम स्तरीय कर्मचारीगण ब्लॉक लेवल के हमारे तकनीकी सहायक और JEEs को भी प्रशिक्षण दिया है और इसको लक्ष्य निर्धारित करते हुए समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने के लिए खंड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है और यहाँ से पर्यवेक्षण भी जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसकी एक्सेल फाइल से मॉनिटरिंग लगातार हो रही है और हम लोग अभी तक 150 किलोमीटर से ज़्यादा गलियों को पक्की कर चुके हैं, नालियां भी मिशन मोड पे बन रहे हैं। बहुत बड़ी धनराशि ग्राम स्तर पर प्रतिनिधान की जा रही है, उस धनराशि में प्राथमिकता में ये पूर्ण करने के लिए हमारी कोशिश है।